भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी पार्टी कार्यालय त्रिपुरा नगर में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र रैना जी हमारे बीच में हैं। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि विश्नाव विकास मंच जो लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर लोगों के भले के लिए पूरी विश्नाव कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार कार्य करता रहता है, आज हमारे बीच में उनके अध्यक्ष आदरणीय सुनील भाटिया जी यहाँ मौजूद हैं और नाम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आदरणीय रविंद्र रैना जी से प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ कि भुक्का देके इनका और सुनील जी का स्वागत। मैं इनका और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूँ। अब मैं आदरणीय सुनील भाटिया जी जो विश्नाव विकास मंच के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी उन्होंने आज पूरे देश के लिए आज आदरणीय मोदी जी जिस तरह देश में कार्य कर रहे हैं, आज देशभक्ति के अलख को जगाते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि वो पूरा विकास मंच जो है पार्लियामेंट के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेगा। मैं आदरणीय सुनील भाटिया जी से कहूँगा कि वो भी अपने विचार के विकास मंच के अध्यक्ष सुनील भाटिया। मैं अपने विकास मंच की तरफ विशाख कांसिले जितने भी साढ़े कॉर्पोरेटर सरपंच पंच जितने हैं उनकी तरफ असें डिसाइड किया देश हित ताई असें इस बारी बीजेपी ही वोट पाना है और मोदी साहब प्रधानमंत्री बनाने एक कट्ठी एक विचारधारा बनी कि असें मोदी साहब प्रधानमंत्री बनाना है और अस अज इतने बीजेपी के दफ्तर आई है तो सारे असें डिसाइड किया है तो अपना सारा समर्थन इन्हें दिता साढ़े कन्नै जिन्हें भी लोग जुड़े हैं साड़ी विकास मंच की राय कन्नै साड़ी सोच कन्नै जिन्हें लोग जुड़े हैं मैं इयै आखा उन्हें कि इस बारी अपने बीजेपी वोट पाई है तो अपने मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाटिया जी। मैं फिर से इनकी पूरी टीम का जो पंचायतों से भी सरपंच पंच आए हैं और जो काउंसलर भी आए हैं सबका धन्यवाद दी। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से कहूँगा कि वो अब हम सबका मार्गदर्शन करें और उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष राजीव चाणक जी, मुनीश शर्मा जी और तमाम यहां आए पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं विश्नाव विकास मंच के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हृदय से स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सहयोगी साथियों का कि आज इन्होंने एक निर्णय लिया है कि देश हित में हमको एकजुट होकर काम करना है और आने वाले लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मैं विश्नाव विकास मंच के अध्यक्ष श्रीमान सुनील भाटिया जी और उनकी सारी टीम, इसमें हमारे सरपंच एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और इसमें हमारे चुने हुए कॉर्पोरेटर सरपंचीज पंचीज नायब सरपंचीज बड़ी तादाद में आए हुए इनके साथ कार्यकर्ता बंधुओं, और मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने देश हित में यह निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, तिरंगे झंडे की पार्टी है और मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। विशेषकर ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे पंचायतों के सरपंचीज और पंचीज हैं,
या फिर बिश्ना शहर के जो चुने हुए कारपोरेटर्स हैं, मैं दिल की गहराई ना अपने सारे बिश्ना वासी और सारे बिश्ना विकास मंच थोड़ा दिले ना अपना आभार व्यक्त करना और थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसे एक चीज की सही समझिया और एक जुट हो ये काम करने लई एक संकल्प लेता और भारतीय जनता पार्टी की तुहे समर्थन देता है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद करना।